बातचीत करने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि तीसरी बार के वरिष्ठ सांसद हैं, मेंबर हैं सीडब्ल्यूसी के, इसी के साथ वो स्टैंडिंग कमिटी के भी चेयर हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी के, होम अफेयर्स के, और एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभिषेक मनु सिंघवी जी, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी राहत ये राहुल गांधी के लिए आई है। जो सबसे बड़ा तर्क हमें समझ में आ रहा है और दलील थी, वो यही कि 2 साल की अधिकतम सजा देने के पीछे जज की वजह क्या थी। अब इस मामले में क्या होगा, क्या सेंटेंस को लेकर दोबारा जिरह होगी, किस तरह से केस आगे बढ़ेगा? नहीं अंजना जी, थोड़ा कानूनी प्रक्रिया समझना आवश्यक है। कोई जिरह वापस नहीं होगी, ये अंतिम निर्णय है उच्चतम न्यायालय यानी अंतिम कोर्ट का, जहां तक कन्विक्शन के स्टे की बात है। इसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई चीज नहीं है। राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड होने से परमानेंटली अब हट गए हैं। इसमें एक ही कैवियट है, जो मुख्य कन्विक्शन है, जो मुख्य मामला है जिसमें कन्विक्शन है, वो सीडी के दूसरे दर पे अभी है, अपेलेट कोर्ट। उसमें हमें हौसला और विश्वास है कि हमारे इतने मजबूत तर्क हैं, इतने मजबूत तथ्य हैं कि हम जीतेंगे और कन्विक्शन जो है ट्रायल कोर्ट का वो एक्विटल बनेगा। उसको छोड़कर आज जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है, वो मामला अंत हो गया है। अब बाद में क्या होता है कन्विक्शन में एक्विटल में, वो बात की बात है, वो मेन ट्रायल की बात है। तो इसके बाद जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का स्टे का सवाल है, कोई और प्रक्रिया बचती नहीं। ठीक है अभिषेक जी, जो अगला प्रश्न है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दी है, लेकिन बीजेपी ने इसको ओबीसी के अपमान का मुद्दा बनाया था। कोर्ट ने आज बहुत सख्त हिदायतें भी दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सोच समझ कर बोलिए, इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। राहुल गांधी को भी काफी हिदायतें दी है कोर्ट ने। देखिए, मैं किसी का नजरिया नहीं रोक सकता। निश्चित रूप से आप कोई हाथी या घोड़ा देखें तो आप शायद उसकी पूंछ भी नहीं देखें, आप उसके पूंछ का आखिरी बाल देखें। और शायद मेरा नजरिया यह है कि मैं हाथी देखूं या घोड़ा देखूं, उसकी पूंछ नहीं देखूं और पूंछ का आखिरी बाल नहीं देखूं, तो नजरिए की बात है। आज पूरा मुख्य मामला था कि क्या राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन स्टे होना चाहिए कि नहीं। इसमें संपूर्ण 100% विजय हुई है। जिस दो वाक्य का ऑर्डर में आप जिक्र कर रही हैं, उसका कोई सरोकार मुख्य मुद्दे से नहीं है। अब वो चाहे लोग नजरिए से बताने के लिए कि हम जो बाल की पूंछ की आखिरी बाल है उसको देख रहे हैं, उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अगर वो उच्चतम न्यायालय का राफेल वाला निर्णय पहले आया होता तो शायद सतर्क होते वो। अब वो पहले आया होता तो अटकल है, क्योंकि वो आया था नवंबर 2019 में और राहुल गांधी की कोलार की भाषण थी, अगर मुझे याद है, अप्रैल 2019 में, यानी 8 महीने पहले। तो वो उन्होंने एक टिप्पणी जरूर की है, लेकिन उसका कोई मूल मुद्दे से वास्ता नहीं है कि जो पूरा 3 कोर्ट्स द्वारा एक डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, जिसका स्टे नहीं हुआ है, बार बार उसको हम स्टे कर रहे हैं। और उसको क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मैंने आज 12 कारण गिनाए उनको कि ये एकदम गलत है। कई कारणों को सबको नोट किया, सबकी जिरह हुई, सबकी बातचीत हुई, और उसके बाद उन्होंने समझा अपने विवेक में कि ये गलत था नीचे वाला कोर्ट। तो अब वो नजरिया आप क्या देखना चाहें, ग्लास आपके लिए तो 90% फुल है, आपके लिए यानी बीजेपी के लिए 90% फुल है, कुछ लोगों के लिए बीजेपी के लिए 90% खाली है, ये तो नजरिए की बात है। जाहिर तौर पर आपके लिए 90 से भी ज्यादा फुल है, क्योंकि आप ही ये केस राहुल गांधी की तरफ से लड़ रहे थे और एक बड़ी जीत आपके लिए है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। लेकिन और भी कई सारे इस पर रिव्यूज और अपनी अपनी तरीके से लोग एनालाइज कर रहे हैं, उसमें एक पक्ष ये भी है सर कि आज सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपसे वरिष्ठ वकील के तौर पर ये सवाल पूछ रही हूँ, उसमें ये भी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्टोरेट के साथ नाइंसाफी है। अब अगर इलेक्टोरेट के साथ नाइंसाफी है, तब तो सर जिनको भी 2 साल की सजा हुई है और उसके बाद उनका सस्पेंशन हुआ है पार्लियामेंट से, उन सब के साथ नाइंसाफी होगी। मुख्य नहीं, नहीं जी नहीं, जी ये नहीं कहा कोर्ट ने। देखिए ऐसा है, ये माना गया हमेशा से एक महत्वपूर्ण पहलू जिसको निचले वाली अदालतों को ध्यान में रखना है कि अगर केस इतना स्ट्रांग है कि मुझे उसको बाहर रखना है उस व्यक्ति को, तो चाहे जनता समुदाय जिसने चुनावित किया है उनको वो वंचित रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप संतुलन करते हैं, एक स्केल्स में बराबरी देखते हैं, तो ये बहुत वजन रखता है इस बात का कि क्या जो उसने अवहेलना की है या गलती की है, जिसको आरोपित गलती है,
वो क्या इतनी भारी है कि वंचित रखा जाए इलेक्टोरेट को, ये निर्णयों में कहा गया है। जो आज उच्चतम न्यायालय ने कहा वो ये कहा कि ये पहलू उच्च न्यायालय ने देखा भी नहीं, उस पर वजन भी नहीं दिया। आखिर आज किस चीज को आपने इतना जघन्य अपराध माना, इतना भर्त्सना योग्य चीज मानी? एक ऐसी चीज जो बेलेबल है, बेलेबल का मतलब क्या होता है कि पुलिस अफसर बेल दे सकता है, आपको कोर्ट नहीं जाना बेल के लिए, जो कंपाउंडेबल है, यानी आप और मैं निजी रूप से उसकी सुलह कर सकते हैं, उसमें स्टेट नहीं आता, समाज नहीं आता, जिसका अधिकतम से अधिकतम दंड 2 वर्ष है। आपको मालूम है कि आईपीसी में सैकड़ों ऑफेंस हैं, उसमें सिर्फ 22 ऐसे ऑफेंस हैं जिनको सरल कारावास सिंपल इम्प्रिजनमेंट किया जाता है, जो सबसे नीचे माने जाते हैं, उसको जघन्य मान लिया है। उन्होंने कहा है मौलिक और नैतिक रूप से मॉरल टर्पिट्यूड है, आप अरेस्ट नहीं कर सकते बिना वारंट के, जो भी थोड़ा भी जघन्य अपराध होता है तो पुलिस अफसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो उन सबको देखते हुए कोर्ट ने कहा कि ये कैसा निर्णय है, जब उन्होंने ये कहा सब कि इनके बावजूद हम इसको जघन्य मानते हैं, नैतिक रूप से मॉरल टर्पिट्यूड मानते हैं जी। इन सबको आखिर उच्चतम न्यायालय का काम है कि वो निचली अदालत की गलती को ठीक करे, वो ठीक किया उन्होंने। अभिषेक मनु सिंघवी जी, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिनका ये मानना है कि कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में खोट देखते हुए बड़ी राहत राहुल गांधी को दी।